जनता बुला रही है, उन्होंने अपने कलेक्शन कट्ठी करनी है, पैसा इकट्ठा करना है। जम्मू कश्मीर को तो जम्मू कश्मीर की इतनी देर लग गई है, जम्मू कश्मीर तो बिक चुका है पहले का। कौन कहता है जम्मू कश्मीर इधर टिका हुआ है? जम्मू कश्मीर की इतनी देर लग गई है, जम्मू कश्मीर का बाहर का जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो ले गए सारा उठा के, इतना खट्टे लग बेच दी, हमारा खट्टे लग माल बेच दिया जम्मू कश्मीर तो इसकी। जब से 370 टूटी है ना, इनका कस्सा हो गया जम्मू कश्मीर का। हम ये चाहते हैं कि अभी 370 लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर का, बाहर का नागरिक इधर ना आए, और जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर लोगों को मिलना चाहिए, इसका अधिकार जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जय जुगत जय डोगरा। देखो इसमें कितने एक्सीडेंट किए हैं, कितने एक्सीडेंट किए, कितनी कैजुअल्टी हुई है अपली बोर्ड में, आज तो माई बाप। अगर किसी साहब को ही पता है कि इधर कितनी कैजुअल्टी हुई, हमें पिछले 15 दिन पहले हमने जाम लगाया था जहाँ पे, और दूसरे दिन ही नदी में एक्सीडेंट हो गया, और एक और एक्सीडेंट हुआ, यानी कैजुअल्टी उस चुका है, मौके पर खत्म हुई है, ये हालत है। नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। ये ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पल्ली का लिंक रोड है, और यहीं से जो है तमाम माइनिंग की गाड़ियां जो है पूरी रात जहां से निकलती हैं। आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहां के दुकानदारों को भी आती है, क्योंकि यहां पर अंडरपास जो बनाया गया है, वहां पर भी अंडरपास को कुछ दुकानदारों द्वारा बंद किया गया है, क्योंकि यहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो माली हालत है, जो सड़क की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, गड्ढे जो है वो भी पड़ चुके हैं, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं होता है। कुछ स्थानीय दुकानदार सामने भी आए हैं, उन्होंने भी जो टिप्पर्स हैं, जो इस समय करीब अभी 5 बजे का समय हो रहा है, और वो गाड़ियाँ जो है तमाम गाड़ियाँ जो है पल्ली लिंक रोड से होके पंडोरी की तरफ रुख करना जो है शुरू कर चुकी हैं। माइनिंग की गाड़ियाँ जो है जहाँ से जाती हैं, और क्रेशर से वर्कर जो है यहीं से इसी रोड से जो है वो निकलती हैं। तमाम गाड़ियाँ जो है अब निकलने का सिलसिला जो है यहाँ से शुरू हो चुका है। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार है। सर, किस तरह से देखते हैं, कब से ये सिलसिला शुरू है, और पूरी रात क्या रहता है यहाँ? पूरी रात ऐसे चलती है, ऐसे हमें सोचते हैं कि ये फौजों की आर्मी की कार्रवाई चल रही है, और ये किसी साहब को ही पता है कि इधर माइनिंग की जो गाड़ियाँ जाती हैं और इतनी तेज चलती हैं कि 60-70 स्पीड में जाती हैं, इनको पता ही नहीं है। पहले तो आपको तो मीडिया वालों को सभी को पता है कि पिछले को 2-3 महीने में एक गाड़ी किसके घर में घुस गई थी, पल्ली में ही घुस गई थी, वो बाल बाल बचे, उनके घर शादी थी, चलो उसके मालिक ने उनके ऊपर कृपा कर दी, वो बच गए। और दूसरी बात है कि हम 15 दिन पहले हमने एजिटेशन की थी, हमने गाड़ी इनकी रोकी, और रोकी उनसे उन मालिकों को बुलाया, उन मालिकों ने कहा कि चलो हम ऊपर बात करेंगे, ऊपर बात करके हम गाड़ी द्वारा नहीं दिलाएंगे, और हमने गाड़ी रोकी उनकी 15-20 दिन की बात है। और उसके बाद उसी दूसरे दिन नगरी में एक लड़की को मार दिया उसी गाड़ी ने, उसी उन जो टेम्पर जाते थे रेत बजरी वाले, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो उन्होंने पुक्की और नशे में गाड़ी चलाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी के पीछे कौन आ रहा था, आगे कौन चल रहा है। मैं यही डीसी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, डीसी साहब जी आपके आगे बहुत मेहरबानी है, आप भी पंजाब के हो, माना कि आपका मटीरियल पंजाब में जा रहा है, आप तो मैं मानता हूँ आपको डीसी साहब, आप डिप्टी कमिश्नर साहब हो, पर इन हमारे लोगों का भी थोड़ा ख्याल करिए, गरीब लोगों का। और ये उधर से हमारा नेशनल हाईवे वालों ने इधर एक अंडरपास बना दिया, वो भी एक कंस्ट्रक्टेड जगह में बना दिया, और अंदर से भी इन्होंने टेम्पर वालों ने अंदर से भी बुरी हालत कर दी कि इतने खड्डे डाल दिए हैं। कोई सोचेगा कि नेशनल हाईवे वालों ने कि एक साल के अंदर 5-10 बारी इन्होंने लुक डाल दी है, और 5-10 बारी आप मीडिया कैमरे वाले उधर कैमरा मारो, देखो इतना इतना खड्डा है। अभी हमने नेशनल हाईवे वालों को बोला है कि उधर हमें सीमेंट के वो पिल्लर लगाए हैं, वो गाड़ी डंपर के लिए बंद करने के लिए। अभी भी हमने कुछ गाड़ियां डंपर से यहाँ पर रोकी, उन्होंने क्या कहा आपसे? हमने ये कहा कि इधर से गाड़ी मत लो भाई, उधर से दूसरी तरफ से गाड़ी ले आओ, वो कहते हैं कि हम पंजाब जाना है, आउट ऑफ स्टेट पंजाब जा रहा है माल। हम इसलिए कहते हैं कि ये इनके डंपर शैम्पर सारे बंद होने चाहिए, और पीछे आपने देखा भी है मीडिया वालों को पता है कि कितने बंदे मरे, कितने एक्सीडेंट हुआ। हम डीसी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इनका यह जो अंडरपास है इधर से पल्ली मोड़ से होकर जाते हैं, ये बंद करिए, और
वाया उधर से आगे आगे विशेष रास्ता है, उधर से चलिए। अभी करीब 5 बजे का समय हुआ है, गाड़ियां जहां से निकलना शुरू हो चुकी हैं लंबी तादाद में। मैं कहता हूं पूरी रात ऐसे चलेगी, कानवाई चलेगी, पूरी रात कानवाई चलेगी पूरी। हम सोचेंगे जैसा आदमी का कोई कैंप जा रहा है, जे आदमी का कैंप जा रहा है तो बिल्कुल हाँ यही कहना चाहते हैं हम कि गाड़ी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम गाड़ी भी डैम्पर बंद करना चाहते हैं। अगर डैम्पर बंद नहीं हुआ तो हम ड्राइवर को हम गाड़ी साइड पर लगा के हम गाड़ी के बीच में उसको बंद कर देंगे। हम ये मैं दरख्वास्त करता हूँ डीसी साहब से कि इनको रास्ता कोई और ढूंढिए। पल्ली मोड़ से रास्ता नहीं है और पल्ली मोड़ से इन्होंने सड़कें की बुरी हालत कर दी है। और बीच बाजार से ये टेम्पर लेके जाते हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर समझना कि एजिटेशन ये होगी, हम गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे। क्रैशर है कौन से पंजाब के क्रैशर? नहीं, हमारे JNK के क्रैशर हैं जो पंडोरी में लगे हुए हैं ना, तो क्रैशर उनके क्रैशर उनसे माल आता है जी, उनसे माल आता है। नीचे से पंजाब नियर है, उधर से चले जाओ। इधर पल्ली मोड़ से होकर पाया पंजाब क्यों जाते हैं जी? और इधर पल्ली मोड़ में जो इधर से जाते हैं कितना नुकसान हुआ है आप देख रहे हो। कि लोगों को पूछो, लोगों के बयान लाओ कितना नुकसान हो रहा है। हम डीसी साहब से SP साहब से दरख्वास्त करते हैं मेहरबानी करके इधर से टेम्पर बंद कीजिए और लोगों को सुविधा दीजिए, लोगों को फायदा दीजिए, आप लोगों को नुकसान मत करिए। सर आपका नाम क्या है? रमेश सिंह। रमेश जी क्या कहेंगे, डंपर क्या पूरी रात चलते हैं यहाँ पे? यार डंपर पूरी रात चलते हैं भाई, ये करना क्या है? बच्चे आते हैं दौड़ लगाने के लिए सुबह, हमारे को डर है, डर लगता है, डर लगता है। पहले 3 बच्चे मर गए, 3 बच्चे मर गए, मुट्ठी में भी मरे थे बच्चे। हाँ मुट्ठी में मरे थे। हमारे को डर है, हमारे आती थी इधर सैर करने के लिए, शाम को भी आती थी, सुबह भी चलती थी। अभी कार से उनके पेरेंट्स उनको मना कर दिया कि रोड पे नहीं चलना है, रोड पे नहीं चलना क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कौन जिम्मेवार लेगा इनकी, समझ रहे? गवर्नमेंट तो जिम्मेवार नहीं रही है, वो अपने धंधा फुला रही है। उन्होंने अपने कलेक्शन इकट्ठी करनी है, पैसा इकट्ठा करना है। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर कितनी देर लग गई है, जम्मू कश्मीर तो बिक चुका है पहले का। कौन कहता है जम्मू कश्मीर इधर टिका हुआ है? जम्मू कश्मीर की इतनी देर लग गई है, जम्मू कश्मीर का बाहर का जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो ले गए सारा उठा के, इन्होंने खड्डे तक बेच दी, हमारा खड्डे तक माल बेच दिया जम्मू कश्मीर तो इसकी। जब से 370 टूटी है ना, इनका कस्सा हो गया जम्मू कश्मीर का। हम ये चाहते हैं कि अभी 371 लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर का, बाहर का नागरिक इधर ना आए और जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर है ये जम्मू कश्मीर लोगों को मिलना चाहिए, इसका अधिकार जो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जय जुगत जय डोगरा। बिल्कुल, हमारे साथ स्थानीय दुकानदार थे और यहाँ से लिंक रोड की बात करें तो यहाँ से तमाम गाड़ियाँ जो है वो पंडोरी में जाती हैं, जो यहाँ पर क्रैशर लगे हुए जो लोकल क्रैशर हैं वहाँ से माल भरकर ये गाड़ियाँ जो है लिंक रोड से निकलना शुरू हो जाती है। शाम का समय करीब अभी 5 बजे का समय है, खाली गाड़ियाँ जो है क्रैशर पर जाना शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही समय में जाने की 8 बजे के करीब जहाँ पर सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और पूरी रात जहाँ पर गाड़ियाँ जो है माइनिंग की तेज़ रफ्तार से चलती हैं। पिछले दिनों करीब 2 से 3 महीने पहले भी पल्ली में एक हादसा पेश आया था जिसमें कि एक घर में पूरा टिप्पर जो है वो घुस चुका था और काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी नुकसान का जायज़ा जो है वो लेना पड़ा था। लेकिन जो दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कि जहाँ पर जो अंडरपास भी बना गया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी 5 से 7 बार जो ब्लैक टॉपिंग की गई है उसे भी नुकसान हुआ है। और जितने भी लोग इस पल्ली के जो दुकानदार हैं जो वाया इसी रोड से निकलते हैं, जो लोग शाम को जहाँ से सैर करने के लिए निकलते हैं, छोटे बच्चे हों चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है और जल्द से जल्द यहाँ पर इस लिंक रोड से गाड़ियाँ जो हैं वो निकलना बंद की जानी चाहिए। नमस्कार।